हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज संडे है और आज मैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ आपको मिलाने वाला हूँ। एक्चुअली वो मेले में बिछड़ गया था, मेरा बचपन का भाई है, और बहुत सालों के बाद वो मुझे मिला आज, मतलब वो कल मिला था तो, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत राइट किया। वैसे वो बंदा ये इधर खड़ा है। हेलो, ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन में। तो वैसे बंदे का नाम तो है पंकज दास, लेकिन ये कभी कभार रहता है बहुत ज़्यादा उदास, तो इसीलिए हम इसको प्यार से बुलाते हैं पंकज उदास। चोक सापट। तो ये कल इसका हिमालयन लेके आया था मेरे घर पे। तो एक्चुअली हम लोग एक टाइम पे एक साथ रहते थे, जब हम मतलब ये अपना कॉलेज कर रहा था, हाँ, और मेरा मास्टर्स कर रहा था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत टाइम एक साथ बिताया, बहुत सारे मेमोरीज हैं। तो उसके बाद सबके बैड मेमोरीज भी है। वो तो है, बैड मेमोरीज, गुड मेमोरीज, मतलब मिक्सचर ऑफ मेमोरीज है। तो उसके बाद ये अपने रास्ते, मैं अपना रास्ते, अभी ये स्टिल टुगेदर। हाँ, ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। और उसके बाद कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करो यार, इतना अच्छे बंदे को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो किसको सब्सक्राइब करोगे? प्लीज। तो बंदे ने ये नया हिमालयन खरीदा है, कल मैंने इसको बहुत चलाया है और आज भी थोड़ा कोशिश करूंगा चलाने का। और इसके बारे में जो भी है, मैं थोड़ा बहुत नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एक राइड पे, एक शॉर्ट राइड पे, और थोड़ी देर बाद और कुछ राइडर जुड़ेंगे हम लोग के साथ। कितना जन वो एक्चुअली अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि कितना जाना है, नहीं जाएगा, अभी हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो और कुछ राइडर के साथ हम लोग थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अभी फटाक से डेस्टिनेशन में, रास्ते में हाँ मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि मैंने मेरा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप रेडी कर लिया है और तेरा बाइक में चलाऊँगा और जाते जाते बात करते रहेंगे। तो चलो रास्ते में मिलते हैं। सो कल से मैं ये बाइक चला रहा हूँ, कल नियर अबाउट 150 किलोमीटर तक मैंने इसको चलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चला के। एक्चुअली आरी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। अभी रिसेंटली मैंने जो क्लासिक 350 है वो भी चलाया है, तो अभी का जो इंजन है बहुत लेस वाइब्रेशन करता है और बहुत स्मूथ हो चुका है इंजन, और एक्सीलरेशन भी बहुत स्मूथ है, तो चला के बहुत मज़ा आता है। ये सामने का जो कंसोल है, ये डैशबोर्ड एरिया, ये मोर ऑर लेस सेम ही है, बस ये नया इंक्लूजन है, ये जो है BS3 BS4 के साथ ये नहीं था शायद। अभी ये जो है टर्न बाय टर्न नेविगेटर है। अभी इसमें फिलहाल टाइम दिखा रहा है क्योंकि मैंने मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग अभी जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही जाना पहचाना सा डेस्टिनेशन ही होगा। और बाकी राइडर्स के साथ मीट करने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुके होंगे वो एक ही फ्रेम देख के। तो टुडे फॉर अ चेंज मैंने हिमालयन का सिलेक्ट किया। वैसे मुझे चलाना भी था और एक व्लॉग भी इसमें करना था, तो ये फ्रेम कैसा लग रहा है वो मुझे बताना। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, बट व्हाट अ गुड पॉस्चर मैन, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कंफर्टेबल। और अभी बाइक मैंने जस्ट घर से निकाला ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा शायद, 2-3 किलोमीटर, बट अभी से मुझे चटके लगना शुरू हो चुका है। सो आई डोंट नो ये कोई इशू है या और कुछ। और ये मेरे मेले में बिछड़ा हुआ भाई मेरे RS में, तो वो आज RS का मजा ले रहा है। सो मैं अभी पहुंच चुका हूँ अलीपुरद्वार और मैं मिल चुका हूँ अपने ग्रुप के साथ। तो ग्रुप के हर मेंबर के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो ये पहला बंदा कौशिक दास, पृथ्वीराज पॉल,
जिशान, ये पंकज उदास और ये मेरा भाई तिथरा जिदा और प्रीतिका और हेलो गाइस आई एम सावन। ओके तो हम लोग के साथ अभी चार बाइक्स है, ये है एफजेड, ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, ये पंकज का हिमालयन और ये मेरा RS 200। सो नाउ वी आर रेडी टू रोल। सो ऑफिशियली आफ्टर फ्यूल अप वी हैव लेफ्ट। तो हर गाड़ी में अभी पेट्रोल डाला और अभी टाइम हो रहा है 1:45 हो गया। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं अलीपुर द्वार से और मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं लीड करूँगा अभी, क्योंकि इन लोगों को रोड नहीं पता है। सो मैं आगे जाता हूँ। यहाँ पे G4 का मीटर दिखा रहा है, अभी उसमें G4 आ रहा है। तो मुझे ये पहले देख के समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, मुझे लगा था कि ये G4 मीटर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर है। तो बहुत डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम लोग भूटान घाट जाएंगे फिर से। सो बहुत दिन हो गया मैं ब्लॉगिंग में नहीं हूँ, कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और एक्चुअली कोई ट्रिप ही नहीं हो रहा है। सो आज का भी प्लान नहीं था क्योंकि आजकल काम को लेकर थोड़ा बिजी हूँ। क्या करें यार बताओ, यूट्यूब से तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है और ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, काम तो करना पड़ेगा ना। सो पहले भी काम करता था मैं, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर काम कर रहा हूँ। तो कुछ दिन तक आई थिंक थोड़ा और प्रेशर रहेगा, उसके बाद अगर सब ठीक रहा तो आई थिंक प्रेशर थोड़ा घटेगा, तब मैं थोड़ा राइड कर पाऊँगा। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत जल्दी मैं एक सिक्किम ट्रिप करने वाला हूँ, बट अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब कुछ ठीक रहे। और ये हम लोग अभी हाईवे पे चढ़ गए, ये वही हाईवे है नेशनल हाईवे। Necessity and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity What a beautiful road man, full empty और चारों तरफ हरियाली। वाह शामुकतला मोर 5 किलोमीटर टू गो एंड what a beautiful road यार, what a beautiful road। सो वी हैव लेफ्ट शामुकतला एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स तूतथुड़ी हाट, तूतथुड़ी ओ ये, बट रोड अभी काफ़ी अच्छा है पहले से। सो अगर आप जॉइंटी के रिवर बेड होके आते हो तो आप आते हो इधर से, और अगर आप ये रोड पकड़ के आते हो तो आप आते हो इधर से, अभी लेना पड़ेगा राइट। वी आर हियर इन द जंगल, करने जा रहे हैं कुछ मंगल, अभी पता नहीं थोड़ा थोड़ा लग रहा है डर, क्योंकि जंगल के अंदर से जाने का परमिशन देगा कि नहीं देगा वी डोंट नो।